कर्नाटका सहित पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए थे। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया, लेकिन शाहजादे ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। देश के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण आगामी 26 अप्रैल को संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों की 89वीं संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। देश के भाग्य विधाता 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन किन राज्यों में 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं और इस चरण में चुनाव प्रचार कैसा रहा तथा राजनीतिक दलों ने किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया? आज की खास वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इन राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद केरल के वायनाड से किसी दूसरी सुरक्षित सीट की तलाश करनी होगी। कर्नाटक के कासरगोड संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अश्विनी ने जोर देकर कहा कि भाजपा कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं जिसका लाभ कासरगोड और केरल के लोगों को मिला है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने बुनियादी ढांचे में भारी विकास किया है। न केवल बुनियादी ढांचे का विकास, हमारे पास गरीब लोगों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। वहीं असम के मंत्री जयंता मल्ला बरुआ ने 19 अप्रैल को हुए असम की 5 सीटों पर भाजपा की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, असम में 5 सीटों के लिए मतदान समाप्त हो गया है और हम इन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। भाजपा और हमारी गठबंधन पार्टी असम में 14 में से 14 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कुल 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान का भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी कई बड़ी और हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 38 पर दूसरे चुनाव में मतदान। इस चरण में मुख्य मुकाबला भाजपा, सपा, बसपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच होने की संभावना है। हालांकि भाजपा ने 2014 के चुनाव में राज्य की 71 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 5 और बसपा को 0 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी कुल 48 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 10 पर दूसरे चरण में मतदान होगा। इस चरण में मुख्य मुकाबला भाजपा, शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच होने की संभावना है। भाजपा शिवसेना गठबंधन के 2014 के चुनाव में राज्य की 42 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 6 सीटें मिली थी। बाकी इस बार कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भाजपा शिवसेना गठबंधन को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। आगे बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 14 पर दूसरे चरण में मतदान होगा। इस चरण में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच होने की संभावना है। भाजपा ने 2014 के चुनाव में राज्य की 17 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 9 और जेडीएस को 2 सीटें मिली थी। इस बार भी तीनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। दूसरे चरण के चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। अगर भाजपा इस चरण में भी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका मोमेंटम और मजबूत होगा। वहीं राज्य विपक्षी दल अच्छे नतीजे हासिल करते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
इसके अलावा इस चरण में होने वाले चुनाव कई हाई प्रोफाइल नेताओं के राजनीतिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनके बेटे HD कुमार स्वामी दोनों JDS से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण के नतीजे देश के अगले प्रधानमंत्री और सरकार के गठन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव की दूसरी फेज की जंग अब और रोमांचक होती दिखाई दे रही है। पहले चरण में भाजपा का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, लेकिन मोदी लहर के बावजूद कई जगह त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी कई बड़ी और हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होने जा रहा है। ऐसे में कहीं सपा बसपा का गठबंधन, कहीं कांग्रेस जद यानी कि S का गठबंधन कुछ क्षेत्रों में भाजपा को कड़ी चुनौती देने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की TMC को भी मात देने में भाजपा को काफी पसीना बहाना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।